आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम लोग बात करेंगे शॉर्ट वीडियो के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें कि 4.5 लाख के आसपास व्यूज आए थे। और व्यूज और कमेंट पढ़ के तो क्या ही बताऊँ, मुझे मज़ा ही आ गया था, इतनी खुशी हुई। लेकिन 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 कुछ कमेंट ऐसे भी थे, किसी ने कहा कि फेक है, किसी ने कहा ट्रेस्ड है, और एक बंदे ने तो हद ही कर दी, ये कह रहा है कि ये इसके तुम्हारा है ही नहीं। कमेंट किया था कि ये जो कोट का जो पैटर्न है वो काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है, तो मैं इसी पैटर्न के बारे में बात करूंगा आज, कि मैंने इस पैटर्न को कैसे ड्रॉ किया है, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आर्ट ज्ञान। सो ये पैटर्न बनाना काफ़ी इजी है, तो इस पैटर्न को बनाने के लिए हम लोग अभी क्रॉस हैचिंग मेथड का यूज़ करेंगे। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्रॉस हैचिंग में एक दूसरे को क्रॉस करते हुए हम लोग स्ट्रोक्स लगाते हैं, तो सिंपली हम लोग इसमें भी वही करेंगे। पहले वन डायरेक्शन में हम लोग स्ट्रोक लगाएंगे, फिर हम लोग फिर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाएंगे। सो ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं इसमें पेंसिल का जो टिप है उसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्रेफाइट के जो एजेस हैं मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ। सो एक डायरेक्शन कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग इसके अपोजिट डायरेक्शन से स्ट्रोक्स लगाएंगे। सो कोड को थोड़ा हम लोग अब और डार्क करेंगे, तो अब मैं 8B का यूज़ करूँगा। सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग, लेकिन अब मैं 8B का यूज़ करूँगा। सेम प्रोसेस हम लोग इधर भी करेंगे, एक बार हम लोग वर्टिकली स्ट्रोक्स लगाएंगे, देन हम लोग फिर हॉरिजॉन्टली स्ट्रोक्स लगाएंगे, जिसको हम लोग क्रॉस हैचिंग कहते हैं। It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise. I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. सो आई होप कि इस कोड के पैटर्न को ड्रॉ करने का तरीका आपको समझ में आ गया। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इंटरेस्टिंग आर्टवर्क्स और ट्यूटोरियल्स डालता रहता हूँ। और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए आर्टवर्क के साथ, तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय।